जमशेदपुर में मजदूरों के हितों की रक्षा करने और पीड़ित व शोषित मजदूरों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने को लेकर भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का विस्तार किया गया। जमशेदपुर सिविल कोर्ट के सभागार में कमेटी विस्तार के दौरान नए अध्यक्ष कमलेश उपाध्याय ने बताया कि जमशेदपुर एक मजदूरों का शहर है और यहाँ सबसे ज़्यादा मजदूरों का शोषण होता है। उन्होंने बताया कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी उनके पीएफ ईएसआईसी के साथ अन्य समस्याओं का भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन समाधान कराएगी, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिलाएगी। साथ ही सरकारी विभागों का मजदूरों को चक्कर न लगाना पड़े इसके लिए सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों से मिलकर उन्हें यूनियन के क्रियाकलापों से अवगत भी कराया जाएगा। इस दौरान नई कमेटी में कई अहम पदों की जिम्मेवारी भी सदस्यों को सौंपी गई। जनता मजदूर ट्रेड यूनियन गठन किया गया है। ये जितने भी लेबर लोग शोषण हो रहा है और हमारे मोदी जी के माध्यम से जो भी लेबर के लिए लागू किया गया है नियम पीएफईएसआई ग्रेच्युटी बोनस इंश्योरेंस ठेकेदार लोग या कंपनी के लोग नहीं लेते हैं, उसके लिए एक मजदूर यूनियन ट्रेड सेंटर का गठन किया गया है जो प्रदेश में कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ था और आज मेरे को जिला अध्यक्ष घोषित किया गया था, जो मैं आज अपना जिला का टीम को गठित किया हूँ। उसी के उपलक्ष में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चौधरी जी, उपाध्यक्ष रुक्मणी प्रसाद साहू जी एवं उपाध्यक्ष सुनील कुमार साहू जी एवं हमारे जितने भी सदस्यगण हैं सभी उपस्थित हुए और आज हम लोग इसको इसके ऊपर सभी मजदूरों के लिए जो भी उनका न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है या उनको दुकान में काम कराते हैं और 12 घंटा का ड्यूटी लेते हैं, उसके बाद उनको काम दिया जाता है कपड़ा दुकान होटल वगैरह वगैरह, लेकिन उनसे झाड़ू तक भी मराते हैं, नाली भी साफ करवाते हैं। इस अत्याचार को शोषण को हम लोग बंद करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड लोग अधिकतर 5,000-6,000 रुपये में फ्लैट के काम करते हैं, उनको मिनिमम वेतन 14,000-15,000 रुपये महीना होना चाहिए था, उसमें भी हम लोग काम करेंगे। सरकारी लोग भी जो काम करते हैं उनको 6 महीना साल भर 2 साल पेमेंट नहीं मिलता है और उनको आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, वैसे लोगों को भी मैं उनका अधिकार को दिलाऊंगा। इन लोग के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, लड़ाई करेंगे। जो नीति है उनको जहाँ जहाँ कमिश्नर हो पीएफ कमिश्नर हो सभी से हम लोग मिलेंगे और जो सरकारी अधिकारी उच्च स्तरीय में बैठे हैं उनको हम लोग लेकर के माध्यम से उनको के लिए बात करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अगर हाई कोर्ट कचहरी भी जाना पड़े तो उनको लिए हम लोग ट्रेड यूनियन सेंटर ट्रेड यूनियन ही करेंगे।